सुशांत सिंह राजपूत के एक्स मैनेजर और यश चक्रवर्ती की मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। जी हाँ, क्या कुछ उन्होंने कहा है जो मैं आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी जरा। बता दूँ आपको कि श्रुति मोदी के जो वकील है उन्होंने कई बड़े बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का एक ऑडियो क्लिप से इस वक्त वायरल हो रहा है। ऑडियो क्लिप का सच ये है कि रिया चक्रवर्ती ने एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में कुछ कर्मी लोग थे और सुशांत थे, और सुशांत ने ही रिया चक्रवर्ती से कहा था कि वो इस जो बातचीत को वो रिकॉर्ड करें ताकि बाद में सुशांत सुन पाए इस बातचीत को। इससे पहले ही मैं बता दूँ आपको, वकील ने ये भी बात कही श्रुति मोदी के वकील ने कि सुशांत जो है वो अपने एक्सपेंसिस को लेकर परेशान थे, क्योंकि वो जानते थे कि रिया बहुत खर्च कर रहे हैं। और वो ये भी उन्हें कहा वकील ने कि सुशांत जो है जब वो चले गए थे आउट ऑफ टाउन से, उस वक्त रिया चक्रवर्ती ने बार बार उन्हें फ़ोन करके बुलाया, क्योंकि वो चाहती थी कि सुशांत यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलें। और सुशांत इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका परिवार, रिया का परिवार सुशांत के लिए एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, मे बी सुशांत के पैसे से ही शायद, लेकिन सुशांत जो है इस चीज़ के बिल्कुल सख्त खिलाफ थे कि उन्हें कोई रेस्टोरेंट नहीं खोलना है। सिर्फ इतना ही मैं आपको बता दूँ कि वकील ने इस तरह की बात की थी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का जो ग्रुप होता था, कौन कौन ड्रग्स लेगा, कौन कौन ड्रग्स देगा, कौन कौन ड्रग्स कंज्यूम करेगा, इस तरह की सारी डिस्कशन इस ग्रुप में होती थी। सबसे पहले सुशांत इस ग्रुप का हिस्सा थे, सुशांत जानते थे कि इस ग्रुप में ऐसी बातें हो रही हैं, सुशांत भी कभी कभी कंज्यूम करते थे। अब इन चीज़ों के अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो वकील हैं उन्होंने जिस तरह से इस बात का खुलासा किया है कि जो ऑडियो क्लिप है वो सुशांत ने खुद ही रिकॉर्ड कराया था, क्योंकि सुशांत भी इस बात से परेशान थे कि बहुत ज़्यादा गलत तरीके से उनके पैसे जो हैं वो खर्च किए जा रहे हैं, वो उस खर्चीले अंदाज से, खर्चीली चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। आपको बता दूँ कि वकील ने इस बात को भी बताया कि कुछ वक्त पहले की बात है, सुशांत की तीनों सिस्टर्स और सुशांत ये सभी लोग एक साथ प्लान कर रहे थे जाने का किसी ट्रिप पर, लेकिन जो तीनों बहन आई और फिर किसी तरीके से कुछ एक लड़ाई हुई सुशांत और तीनों बहनों के बीच में, इस रीज़न से और तीनों बहनें एक ही दिन रुक कर चली गई। और फिर सुशांत की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें एडमिट कराना था। सुशांत एडमिट हुए और होने के बाद फिर उन्होंने इस तबीयत के बिगड़ने का सारा इल्ज़ाम अपनी सिस्टर पर लगाया। अब इन बातों में सच्चाई कितनी है ये हम नहीं जानते, लेकिन इस तरह की बातें श्रुति मोदी जो कि वकील है, जो कि रिया चक्रवर्ती के मैनेजर हैं, उनके वकील ने इस तरह की बातें कही। तो देखना ये होगा कि क्या और डिटेल सामने आती है और क्या ये बातें सच है या नहीं, ये बात सिर्फ सुशांत की फैमिली कन्फर्म कर सकती है।